सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनु स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के फर्स्ट चैप्टर को, ये फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर कितने कितने नंबर के होंगे, तो आप सभी लोग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर पढ़ के आए हो तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर होते हैं वो कितने कितने नंबर के होते हैं, 50-50 नंबर के होते हैं। तो ये आपका 50 नंबर का पूरा पेपर होगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, और सबसे इजीएस्ट पेपर है। मैं जब आपको सिलेबस बता रही थी तभी भी बताया था कि बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप इसको समझने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा जो पेपर है ये पूरा मैनेजमेंट पर ही आधारित है। मैनेजमेंट का मतलब कि किस तरीके से आपके पास जो संसाधन मौजूद हैं उनको आप किस तरीके से उपयोग करते हैं और उससे कैसे आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों, जो शैक्षिक प्रशासन है इसमें सबसे पहले आप समझिए, अगर हम, क्योंकि हम सभी लोग शिक्षक हैं तो हम सबसे पहले स्कूल की ही बात करेंगे, तो स्कूल में आपको पता है एक स्कूल केवल और केवल अगर उसमें प्रिंसिपल हो तो क्या वो स्कूल चल सकता है? मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी दिया है कि सिर्फ प्रिंसिपल से स्कूल चल सकता है? बिल्कुल नहीं। स्कूल चलाने के लिए आपको किसकी किसकी जरूरत है? आपको स्कूल चलाने के लिए सबसे पहले एक भवन होना चाहिए स्कूल का, फिर आपको शिक्षक चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बच्चे होने चाहिए स्कूल में। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग मिल करके क्या करते हैं, एक संस्था का निर्माण करते हैं। एक संस्था सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बनती है। और स्कूल कैसे चलता है? क्या केवल प्रिंसिपल चला लेंगे स्कूल? बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल के साथ मिल करके सभी शिक्षक क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, सभी शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं, और तभी जो स्कूल का पूरा मैनेजमेंट है तभी स्कूल मैनेज हो पाता है। तो इसलिए जब कोई भी संस्था होगी, कोई भी कार्यालय होगा, जब सब लोग, सारे लोग क्या करते हैं, सब लोग की जिम्मेदारी अलग अलग होती है ना। जो प्रिंसिपल होता है उसका काम क्या होता है कि सही से सारे टीचर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत हो गई है तो कैसे उसे हमें सॉल्व करना है, स्कूल में कोई समस्या हो गई है। तो एक जो प्रबंधक होता है या फिर ये कहें कि जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में किसी प्रकार की कोई भी घटना हो या किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आए तो वह सब लोग क्या करें, सभी टीचरों से सलाह लेकर के उसका सामना करें और उस समस्या को खत्म करें। तो इसलिए जो एक संस्था होती है उसमें सभी लोगों का क्या होता है, बराबर योगदान होता है, और जितने भी लोग होते हैं सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे कि जो शिक्षक होता है उसका काम क्या होता है, पढ़ाना होता है, और साथ ही साथ अनुशासन भी रखना कक्षा में। तो इसलिए अगर देखा जाए तो चाहे प्रिंसिपल हो स्कूल में, चाहे प्यून हो, चाहे शिक्षक हो, सभी का काम क्या होता है, अलग अलग होता है, और सभी लोग मिल करके उस संस्था को चलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो शैक्षिक प्रशासन होता है यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें दोस्तों आपको यही जानना है कि जो संस्थान होता है वह किस तरीके से, उसमें सभी लोग मिल करके जो भी कार्य होता है उसको पूरा करते हैं और संस्था को क्या करते हैं, आगे लेकर के जाते हैं। जैसे कि अगर कोई स्कूल है, उस स्कूल में सब जो प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं और बहुत अच्छे से टीचर्स से भी काम लेते हैं, यानी कि टीचर्स भी सही से पढ़ाते हैं उनके अंडर में, और उससे क्या होगा, जब सारे चीजें सही चलेंगी तो बच्चों की ग्रोथ क्या होगा, दिखाई देगी ना। जब बच्चे अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आसपास के लोगों के अंदर क्या जाएगा, आसपास के लोगों के अंदर उस स्कूल के प्रति क्या होगा, उस स्कूल के प्रति और सम्मान बढ़ेगा और उस स्कूल में और ज्यादा एडमिशन होगा अगले साल। तो इस तरीके से बच्चों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर संस्था में सभी लोग मिलजुल करके सही से कार्य करते हैं और सभी लोग, कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का निदान खोजने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होता है, वह संस्था आगे बढ़ती है। और आगे कैसे बढ़ती है, बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बच्चे अच्छा प्रदर्शन किसकी वजह से करते हैं, शिक्षकों की वजह से करते हैं, क्योंकि शिक्षकों ने उन्हें वह ज्ञान दिया। तो इस तरीके से एक दूसरे पर सब लोग डिपेंड रहते हैं और यही चीजें आपको शैक्षिक प्रबंधन में या शैक्षिक प्रशासन में आपको पढ़नी है। तो दोस्तों, एक स्कूल का प्रबंधन कैसा होता है और एक स्कूल में कौन कौन से संसाधन होते हैं, ये सब तो बहुत ही इजी चीजें हैं और ये सब आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है, और आसानी से आप लोग इस पूरे पेपर को पढ़ेंगे, आप लोग खुद देखेंगे कि कितना आसान है ये पेपर। तो चलिए अब इसको यहाँ पर हम देखते हैं। तो संस्थागत
नियोजन, संस्थागत नियोजन यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या होता है, संस्था का नियोजन क्या होता है और प्रबंधन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है संस्थान धनगत धन नियोजन। तो संस्थान का अर्थ होता है कार्य करने का समूह। तो स्कूल में कार्य कौन कौन करता है, स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, जो प्यून होते हैं, माली, सभी लोग क्या करते हैं, मिलजुल करके कार्य करते हैं। और गद का अर्थ है उसमें निहित और नियोजन का अर्थ है योजनाबद्ध, यानी कि जो भी कार्य होता है स्कूलों में क्या होता है वो योजनाबद्ध। जैसे कि सिंपली अगर 10 चैप्टर है किसी भी क्लास में, आप क्लास 7th में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, 10 चैप्टर है हिंदी में, तो आपको ये चीज पहले से ही बता दी जाएगी कि योजना के अनुसार आपको किस मंथ में कितना चैप्टर आपको बच्चों को पढ़ाना है कि जब एनुअल एग्जाम आए तो पूरा सिलेबस पूरा हो जाए। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, समय से सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और बच्चों के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो जो संस्था होती है इसमें सब लोग समूह में कार्य करते हैं लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि हर एक टीचर को पता होता है कि इस साल मुझे किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है और उस सब्जेक्ट को मुझे कब तक खत्म करना है, किस मंथ में कितना चैप्टर मैं पढ़ाऊं, ताकि जो चैप्टर है वो सभी क्या हो जाए, खत्म हो जाए लास्ट तक। तो इस तरीके से जो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन है इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग समूह में कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, संस्था अथवा समूह द्वारा निहित नियोजन। अब देखिए प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रबंधन होता है, हमारे स्कूल में जो भी संसाधन मौजूद है, संसाधनों का मतलब है कि आपके स्कूल में टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या नहीं, यानी कि TLM कितने हैं, और उन TLM का प्रयोग करके चाहे गणित किट हो चाहे विज्ञान किट हो, आप बच्चों को कैसे अच्छे से अच्छा ज्ञान दे पाते हैं। जितना अच्छे से अच्छा ज्ञान आप दे पाएंगे इसका मतलब क्या होगा कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, और जब आप बच्चों को अपना बेस्ट दोगे तो उससे क्या होगा, इससे बच्चे भी रिजल्ट अच्छा देंगे, और रिजल्ट ही क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति है। जितना भी काम स्कूल में होता है, जितनी भी मेहनत शिक्षक करते हैं या जो प्रबंधक है, प्रिंसिपल है, जो प्रधानाध्यापक है, मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत करने का लक्ष्य क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो रिजल्ट आए, एनुअल एग्जाम का जो रिजल्ट आए वो क्या आए, सबसे बेहतर आए, सब बच्चे अच्छा स्कोर करें। तो लक्ष्य यही होता है कि हमारे स्कूल में जो भी संसाधन मौजूद है उनसे हम क्या करें, बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दें ताकि वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें दे पाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अब देखिए इस प्रकार संस्थागत नियोजन से एवं प्रबंधन से हमारा तात्पर्य किसी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाकर उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना है। दोस्तों यहाँ पर भी वही बात बताई गई कि संस्थागत जो नियोजन होता है या प्रबंधन होता है इससे तात्पर्य यही होता है कि संस्था के जितने भी लोग हैं, जो भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, जितने भी स्कूल में लोग हैं, सब लोग मिलकर के योजना बनाते हैं कि हमें स्कूल को क्या करना है, स्कूल को, संस्थान को और आगे ले जाना है। और इसके लिए क्या होता है, आपको पता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, लेकिन टीचर्स की और प्रधानाध्यापकों की भी मीटिंग होती है हर हफ्ते स्कूलों में कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे बच्चे और अच्छा प्रदर्शन करें और बेस्ट से बेस्ट स्कोर लेकर के आए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि स्कूल में जो भी दिक्कत होती है उसका हमें क्या करना होता है, योजना बनाना होता है। इसके अलावा स्कूल में छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि पेयजल की समस्या, अगर साफ सुथरा पानी नहीं आ रहा है तो नल की व्यवस्था करनी है, अगर कहीं पर फर्श टूटा हुआ तो उसकी मरम्मत करवानी है, और इसके अलावा अगर विद्यालय का भवन जर्जर हो गया है तो किस तरीके से एक नया भवन तैयार करवाना है स्कूल के लिए, अगर स्कूल में बाउंड्री नहीं है तो उसके लिए भी सब लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद ही डिसाइड होता है कि जो स्कूल में हर साल ग्रांट आती है उसका किस तरीके से हमें उपयोग करना है। किचन गार्डन बनवाना है स्कूल में, एक किचन गार्डन जिससे कि जो बच्चे MDM खाते हैं उस MDM में जो सब्जियां मिले उनको स्कूल के गार्डन की सब्जियां मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी मैनेजमेंट होता है स्कूल में,
ये सभी सभी के राय मशवरे, यानी कि सभी लोग मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि अगर जो भी ग्रांट आया है स्कूल के लिए उसको किस तरीके से कहाँ पर यूज करना है, ताकि बच्चों को उससे क्या हो, अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, आप देखिए विद्यालय या संस्था में जो योजनाएं बनती हैं वो अल्प अवधि की भी हो सकती हैं और दीर्घ अवधि की भी हो सकती हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे अब बैठ करके योजना बनाई जा रही है, अब अगर छोटा लक्ष्य है या फिर जल्दी पूरा होने वाला है तो वह जल्दी भी पूरा हो सकता है। अब अगर स्कूल में बाउंड्री लग रही तो बाउंड्री तुरंत 2 से 4 दिनों में तो लग नहीं जाएगी, उसमें समय लगेगा। तो कुछ कुछ काम क्या होते हैं जिनमें समय लगता है और कुछ कुछ काम क्या होते हैं जिनमें समय कम लगता है। अगर स्कूल में नल नहीं सही है तो नल तो बहुत जल्दी सही करवा सकते हैं, दूसरा भी हम दूसरे नल की भी व्यवस्था कर सकते हैं 1 से 2 दिन में। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे काम है उनमें कम समय लगता है और जो बड़े काम है उनमें अधिक समय लगता है। तो ये सभी योजनाएं स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल मिल करके बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार संस्थान नियोजन एक विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को साधने एवं उसके सम्यक विकास के लिए बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इससे समाज व राष्ट्र को प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। तो जो श्रीमती आर के शर्मा है इन्होंने भी वही बात कही है नियोजन के विषय में या संस्थान नियोजन के विषय में कि यह क्या है, एक योजना है जिसमें सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, स्कूल के विकास के लिए योजना बनाते हैं। और जब स्कूल का विकास होगा तो बच्चों का विकास तो होगा ही, जब बच्चों का विकास होगा तो समाज और राष्ट्र की प्रगति तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि यही बच्चे चल करके आगे समाज और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल है जो चलती जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ और वह महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये जो आपका सेकेंड पेपर है, आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हो और ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, आपका डीएलएड कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये जो फोर्थ सेमेस्टर है आपका, इस फोर्थ सेमेस्टर में ये जो आपका सेकेंड पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये चैप्टर, ये जो पूरा आपका ये जो पूरा पेपर है सेकेंड पेपर 50 नंबर का, इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या, इसमें आप लोगों को पढ़ना पढ़ना नहीं ज्यादा समझना है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को स्कूल का प्रबंधन कैसे करते हैं, स्कूल में जो भी रजिस्टर होते हैं उनको कैसे हमें मेंटेन करना होता है, अगर जो ग्रांट आता है कंपोजिट ग्रांट आता है उसका हमें कैसे उपयोग करना है, यानी कि यहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है कि स्कूल में आपको कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे आपको कौन कौन से कागज मेंटेन करने होते हैं और किस तरीके से आपको स्कूल को, अकेले अगर आप हैं तो भी आप कैसे स्कूल को मैनेज करेंगे जब आप शिक्षक बन के स्कूल में जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से शिक्षक बनाने का ही कार्य हो रहा है, जो फोर्थ सेमेस्टर है इसमें इस चैप्टर या इस पेपर को पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग स्कूल में जाने से पहले ये जान जाएं कि स्कूल में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, स्कूल में जो ग्रांट आती है उसको किस तरीके से आपको उपयोग करना है और कैसे आपको स्कूल चलाना है। इसीलिए आप ये जो पूरा पेपर है आप पढ़ रहे हो, तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, ये जो पेपर है ये आप लोग इसीलिए पढ़ रहे हो कि आप लोग स्कूल में जा करके अपना बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं और इसीलिए ये चीजें आपको बताई जा रही हैं इस पूरे पेपर में। तो देखिए संस्थागत नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, तो संस्थागत नियोजन के उद्देश्यों में सबसे पहले देखिए संस्था का चहुमुखी विकास तथा प्रगति करना, यानी कि जो जिस संस्था में आप कार्य कर रहे हो अगर आपको उसका नियोजन करने को मिला है, या फिर ये कहें कि आप क्या कर रहे हो उसमें, आप प्रिंसिपल हो या मैनेजर हो या फिर आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो आप प्रबंधक हो उस संस्था के, तो किस तरीके से आप उसके विकास में क्या करोगे। आप अगर आप किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल बन के गए हो तो आपका पूरा टारगेट यही होगा कि हम उस संस्था को और आगे ले जाएं, उसमें बच्चों की संख्या और बढ़ाएं, टीचर्स से जितना हो सके अधिक काम लें और जितना हो सके हम बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें, जो भी संसाधन हम अपनी तरफ से जुटा सकते हैं वो बच्चों को उपलब्ध कराएं। तो इस तरीके से संस्थागत नियोजन के उद्देश्य में सबसे पहले क्या हो गया, शिक्षा का चहुंमुखी विकास तथा प्रगति करना। फिर है दूसरा, शिक्षक एवं छात्रों में सृजनात्मक विकास हेतु उत्तम वातावरण का निर्माण करना। सृजनात्मक विकास हेतु उत्तम वातावरण का, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ऐसा वातावरण हमें निर्मित करना है कि उससे क्या हो,
सृजनात्मक विकास हो शिक्षक का भी और छात्रों का भी, ताकि बच्चे अधिक से अधिक स्कोर करें और अधिक से अधिक स्कूल में सीखें। इसके बाद देखिए, साधनों का अधिकतम संभव उपयोग, स्कूल में जो भी संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग कर सके हम, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा नॉलेज, अच्छे से अच्छा ज्ञान हम दे सके। फिर चौथा है स्वयं सेवा एवं आत्म उपलब्धि का अध्ययन करना। स्वयं सेवा यानी कि आत्म उपलब्धि का अध्ययन करना, यहाँ पर एक तरीके से ये बात बताई गई है कि स्वयं सेवा यानी कि इस तरीके से हमें स्कूल में अपनी सेवा देनी है, या इस तरीके से हमें स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है कि वह स्वयं की सेवा लगे। और आत्म उपलब्धि, जब बच्चे कोई उपलब्धि, बच्चा बच्चा कुछ भी बड़ा करे, या बच्चा पूरे जिले में आपके स्कूल का बच्चा टॉप कर गया, या फिर ये कहें कि किसी खेल में आगे निकल गया, तो वह उपलब्धि आप ये समझे कि वो हमारी, हम सब की उपलब्धि है, हम सब ने उस बच्चे के पीछे मेहनत किया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस संस्था के लिए या अपनी संस्था के लिए इस तरीके की भावना रखनी है। अब देखिए, राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना। राष्ट्रीय योजनाओं का मतलब है कि बहुत सारी राष्ट्रीय योजनाएं हैं और राज्य की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे अगर राज्य की तरफ से मैं बात करूं तो इस समय ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है, मिशन प्रेरणा चलाया जा रहा है, जो स्कूलों में चलाया जा रहा है। तो ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर, इन सभी को क्या करना है, हमें उचित आधार प्रदान करना है। यानी कि एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, हमारी जिम्मेदारी है कि जो योजनाएं सरकार बना रही है उन योजनाओं को हम अच्छे से चलाएं अपने स्कूल में। इसके बाद देखिए, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता। आखिर में संस्था को नियोजित करने की, एक संस्था को या एक इंस्टीट्यूट को मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, संस्थागत नियोजन से संस्था को लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है तथा निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के भीतर पूर्ति संभव होती है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम एक प्रबंधन, एक अच्छे से एक संस्थान का प्रबंधन करते हैं, नियोजन करते हैं और योजना बनाते हैं, तो जब हम सही से योजना बनाए रहेंगे तो क्या होगा, उस योजना को हम क्या करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। और जब वो उस योजना पर हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, सही समय पर हमें जिस लक्ष्य के लिए हम उस योजना को लेकर के चल रहे थे, वह लक्ष्य हमें समय के भीतर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम कोई योजना बना करके चलते हैं तो समय रहते हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद देखिए, इससे संस्था के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। इससे संस्था के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। इसके बाद देखिए, इससे शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। यानी कि जब संस्था अच्छी रहेगी, एक स्कूल में प्रिंसिपल सभी टीचर्स का सहयोग करेंगे और सभी टीचर प्रिंसिपल का भी सहयोग करेंगे, तो सभी के अंदर क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होगी कि जो भी प्रिंसिपल सर ने हमें काम दिया है, हमें क्या करना है, उस काम को बेस्ट से बेस्ट करके दिखाना है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है सभी की। इसके बाद देखिए, संस्था के कार्यों में सुधार तथा गुणवत्ता में वृद्धि। यानी कि हमेशा क्या करना है, जो स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसमें क्या करना है, हमें हमेशा वृद्धि करनी है। स्कूल में बिल्डिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जो स्कूल में फर्नीचर है वो सही होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो स्कूल में लगा है वो बेहतर होना चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की गुणवत्ता है वह बहुत अच्छी होनी चाहिए और हर साल बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, यह भी क्या होता है, एक तरीके से नियोजन के अंतर्गत ही आता है। फिर देखिए, उपलब्ध संसाधनों या उपलब्ध साधनों का उत्तम तथा अधिकाधिक सदुपयोग होता है। तो जब हम सही से नियोजन करके चलेंगे संस्था का, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे पास संसाधन होंगे, जो भी उपलब्ध संसाधन होंगे, उसका हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर आज आप लोगों ने सीखा कि किसी भी संस्था में जब हम जाते हैं तो उस संस्था में बहुत सारे काम होते हैं, और सबसे पहले एज ए प्रिंसिपल हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सभी लोगों को क्या करें, जितने भी लोग हमारी संस्था में हैं, जितने लोग हमारी संस्था में काम कर रहे हैं, सभी लोगों से हम सही से काम कराएं। सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये हो गई।
और दूसरी चीज, कोई भी समस्या आती है, चाहे स्कूल में बिल्डिंग से रिलेटेड कोई समस्या हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, हम क्या करेंगे उसके लिए? मीटिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, और उस योजना को हम क्या करेंगे, उस योजना पर कार्य करेंगे और उस समस्या से हम निजात पाएंगे। तो इस तरीके से जो संस्थागत नियोजन होता है और प्रबंधन होता है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये जो आज आपको मैंने पढ़ाया, इसकी आवश्यकता और इसका उद्देश्य, यानी कि संस्थागत नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इन सभी के विषय में मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। और कल की वीडियो में अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, आपके कॉलेज का जो ग्रुप होगा। और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको फोर्थ सेमेस्टर की सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो प्लीज अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग नोट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? पहली क्लास है, नोट जरूर बना के चलिए दोस्तों, अभी से बनाए रहेंगे तो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं हम, उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षकों के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही हम रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, और हम ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करते हुए आगे चलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।